हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम बी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यानी कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हम यहाँ पर देखेंगे सिलेंडर की वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, सिलेंडर यानी जिसको हम बोलते हैं बेलन। प्रीवियस टू वीडियोज़ में हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देखा था, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का और क्यूब यानी कि घन का। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पांच पांच क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एंट्रेंस टेस्ट है, या आप लोग जो है किसी भी क्लासेस में हैं, आप लोग फिफ्थ क्लास से लेकर 12th क्लास में या कॉलेज वगैरह में, अगर आपके जो मैथमेटिक्स में टॉपिक है, अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड या मेंसुरेशन करके आपका टॉपिक है, ठीक है, या आप ज्योमेट्री ज्योमेट्री यानी क्षेत्रमिति, ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पर मैं आपको सिंपल बेसिक से लेकर जो हायर लेवल के क्वेश्चन हैं वो मैं पूरे बता दूंगी। तो आप कितने भी कोई भी इंट्रेंस टेस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड या मैथ एक सब्जेक्ट हो, तो आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। और जिसमें भी मोस्टली मेंसुरेशन से आपकी जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मेंसुरेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में सिलेंडर की, जिसको हम बोलते हैं बेलन। बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, कि कैसे हम इन क्वेश्चन को हैंडल करें और हमें ये पता चले कि ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करने हैं इजिली। यहाँ पर है, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज़ 1848 क्यूबिक मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 14 मीटर, देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये उसने बोला है यहाँ पर कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, टंकी की गहराई ज्ञात करनी है। ठीक है, टंकी है एक, वो बेलन के शेप में है। ठीक है, ये है हमारा बेलन या सिलेंडर। अब टंकी की ये हाइट बतानी है, जिसकी जो बेस 14 मीटर उसने बताया है डायमीटर, तो ये हमारा है 14 मीटर। आपको ना ही डायग्राम बनाना है और ना इस टाइप से सो करना है, आपको सिंपली क्या करना है, निकालना है। तो सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी या क्षमता जो होती है या धारिता, वो मैं आपको जब मैंने फर्स्ट वीडियो में क्यूबॉइड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या कहलाती है, कि किसी भी कोई भी शेप है, 3D फॉर्म में है, तो उसमें जो है हम कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं, कितना मटेरियल इसमें बन सकता है। ठीक है, तो वो उसकी धारिता होती है, तो जिस और जो किसके इक्वल होती है कैपेसिटी, वॉल्यूम के, ठीक है, यानी कि आयतन के इक्वल होती है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आपको ज़रूर आनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है 1848, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसकी डेप्थ बतानी, कितनी गहरी टंकी है, तो डेप्थ यानी एच हाइट बतानी है। और आर हमारे पास कैसे निकलेगा, तो आर की जगह डायमीटर डी हमारे पास दिया हुआ है 14 मीटर, तो आर क्या होता है, डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 14/2, ठीक है, यानी 7 मीटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, डायमीटर जो है वो रेडियस का होता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7 × 7 टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा एच, एच हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर है 1848। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेवन से एक सेवन काट लेंगे, और यहाँ पर 1848 और डिवाइड में 22 × 7 आ जाएगा, और इक्वल में एच। अब हम यहाँ से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, तो आप 11 से काट लीजिए, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, 11 × 6 आप करेंगे तो 66 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, तो 11 × 8 = ये 88, यहाँ 7 से आप यहाँ कट करेंगे तो 7 × 2 = 14, और यहाँ 2 आएगा तो 7 × 4 = 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 बचा हुआ था, तो 2 से आप इसे कट कर लीजिए, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, और ये यूनिट आ जाएगी मीटर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से हम इन सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपको इन सवालों को करना है। ठीक है, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर है कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट पर वीडियो जो है आपको सारी मिल जाएंगी, मेंसुरेशन करके जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, इसमें आपको सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक जितने अभी मैंने करवाए हैं, क्यूबॉइड, क्यूब,
ठीक है। और अब ये सिलेंडर चल रहा है और नेक्स्ट वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि हाउ मेनी आयरन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ 0.88 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन। यहाँ पर बताया गया है कि 0.88 घन मीटर लोहे से 7 मीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी छड़ें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है कि हाउ मेनी आयरन रॉड्स, कितनी आयरन रॉड हम बना सकते हैं जिसमें लेंथ जो है उस आयरन रॉड की, अब रॉड आपको पता है कि इसी टाइप से आपका रॉड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल या बेलन शेप है। तो अब इससे हम कैसे बनाए, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि कितनी बना सकते हैं तो इस टाइप में वॉल्यूम हम देखते हैं, ठीक है। तो जो बिगर रॉड है उसकी वॉल्यूम और जो स्मॉलर रॉड है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम नीचे रख देते हैं तो हमारे पास एन आ जाता है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ रॉड्स। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा वॉल्यूम है हमारे पास वो है इसमें क्या है, यहाँ पर ये है 0.88 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन, ठीक है। 0.88 क्यूबिक मीटर मतलब उसने पहले ही बता दिया है मीटर क्यूब, तो ये हो गया बड़ा क्योंकि उसने बोला है कैन बी मेड आउट ऑफ, मतलब 0.88 घन मीटर लोहे से 7 मीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी छड़ें बनाई जा सकती हैं। तो नीचे का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर हमारे पास 2 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर क्या है मीटर में और हाइट भी मीटर में है, यहाँ पर 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में कर लेंगे। तो अगर आपको जो है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1/100 से डिवाइड करना है या फिर 0.01 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा ये, और हमें चाहिए क्या, रेडियस। तो क्या करेंगे, हम 0.02 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.01 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मीटर में रेडियस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 0.01 हमने मल्टीप्लाई करा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है यहाँ पर हमारा, 7 मीटर। ये सब हमारी मेजरमेंट आ गई, ये भी मीटर क्यूब में हो गया। तो ये जो डायमेंशन है तो कट जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे 7 से, तो 7 कट गया, ऊपर है 0.88। तो हमने इसका जो पॉइंट है ये अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 100 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा 22 इंटू 0.01 इंटू 0.01। इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो इसका भी हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 100 और इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100। 22 से आप 22 की टेबल में 4 टाइम्स में 88 आ जाएगा, ये 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा और ये जो है 100 ये सबसे नीचे है, यानी 4 × 1/100 है। तो ये क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इक्वल की यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ है, ठीक है, तो ये 1/100 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 100/1 यानी कि 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर आप सिंपली यहीं से कर सकते हैं कि आपने डेसिमल हटाया तो ये नीचे है तो ये ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी आप अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे ही यहाँ पर हटाया है, एक सेकेंड, आपने यहाँ पर ये हटाया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा है अगर, तो आप यहाँ से 100 हटाते हैं, पॉइंट डेसिमल हटाते हैं, तो डेसिमल के जो है राइट साइड में 2 डिजिट है तो ऊपर जो है 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 काट लिया, 100 का 4 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये 400 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप इनको निकालेंगे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली बड़ा वॉल्यूम ऊपर रखना है और छोटा वाला वॉल्यूम नीचे रखना है और एन को इक्वल में कर देना है, तो आप आंसर निकाल पाएंगे। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी आपसे मटेरियल या आइटम्स की क्वांटिटी पूछी गई है। तो यहाँ पर रॉड है तो नंबर ऑफ रॉड्स कितनी हुई, 400, और ये डायमेंशन लेस होता है। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, UPSI, MPSI, MP, पटवारी वगैरह या MP के जो अन्य एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो परीक्षा पर अवेलेबल है।
परीक्षा ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 MSUCCESS50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। और सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस है। और यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाकर परीक्षा को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि इफ अ सिलेंडर है बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है सिलेंडर है और उसकी बेस रेडियस 3.5 है और लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर उसने बोला है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए अभी मैंने आपको जो है सिलेंडर के जितने भी जो है फॉर्मूला है वो नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर है वॉल्यूम, सबसे पहले तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया की जगह सिर्फ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर। इसका सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच ये हो जाएगा, और बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो ये हो जाता है हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है, ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। और ये जो एरिया है हमारा सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। कर्व सरफेस क्या होता है, जो कर्व होता है उसका एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्व हमारा ये है, कर्व क्या है, जो कर्व के शेप में, यानी गोल शेप में हो, तो ये जो गोल शेप में है ये हमारी ये लेंथ है, ठीक है। आप बेलन देखते हैं या आप सिलेंडर देखें तो वो गोल राउंड में होता है, ऐसे राउंड ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कहलाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेलन की इसमें हिंदी में हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन की अगर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो फिर क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 पाई आर एच ये आप लिखेंगे और प्लस यहाँ पर लिख देते हैं आप पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये जो है अगर हम बेस देखें और ये जो टॉप पर है सर्किल, ठीक है, सपोज ये कोई ढक्कन कवर है तो टॉप पर भी कवर है और बेस में भी कवर है ये, ठीक है, बेलन दोनों साइड से बंद है, तो इसका भी एरिया हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो ये इस टाइप से बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचता है एच, और प्लस यहाँ पर क्या होता है 2 आर है, तो एक आर बाहर निकल गया, तो एक आर बचता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। तो इस टाइप से ये तीन फॉर्मूले सिंपली आपको याद रखने हैं, एक पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, सरफेस कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सिंपली सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तब हम ये 2 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अगर टोटल की बात करते हैं तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल की। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हमें यही फॉर्मूला पुट करना है, कौन सा, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये सिंपली आप शॉर्ट में इसको निकाल पाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये फिक्स्ड है, आपको हमेशा याद रखना है 22/7, या फिर 3.14 आप रख सकते हैं पाई की जगह पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, हम रखेंगे टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, यहाँ पर हम रखेंगे 2 × π की वैल्यू 22/7 × r की वैल्यू, r हमारे पास क्या है रेडियस, तो यहाँ पे 3.5 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर रखा फिर से 3.5 और यहाँ पर रखा है 8, यानी 8,
तो अब हम यहाँ पर डेसिमल इसको हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 जा 35, 5 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 2 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा है 22 इंटू, इसको हम ऐड कर देंगे तो 11 पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10 0, कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और इंटू में फिर से 230 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 3 3 2 5 और 2, और डेसिमल कितना है यहाँ पर, एक डिजिट बाद यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ हमने लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 253। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में हमारा आंसर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, मतलब एरिया पूछा है, एरिया टोटल सरफेस एरिया, जहाँ भी एरिया आए वहाँ पर अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो इस टाइप से हम इसको कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में आप इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और आपकी सिलेबस में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अगर बेसिक 5 to 10th तक की आप जो मैथमेटिक्स की बुकें हैं उनको उठाकर आप अगर लगा लेते हैं तो आपसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हैं, या आप किसी जो है प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें रिटेन टेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, या ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपकी एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है, जीके वगैरह का भी कभी आ जाती है, तो वो भी आपके इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी मेंसुरेशन वगैरह से टॉपिक आते हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर है दी रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, उसने बोला है कि 2 बेलनों की आधार त्रिज्याएं क्रमशः 2:3 के अनुपात में हैं तथा इसकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं, तो इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, आपको क्या करना है, 2 बेलन हैं उनके आधार की त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है, जैसे R1 पहले की मान लीजिए, R2 पहले की, ये 2/3 है, और उसने बोला है कि ऊंचाइयाँ, तो हाइट H1 है, एक की H2 है, वो 5/3 है, तो इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल आप देखिए, उसने पूछा है एक सेकेंड, इसमें दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस हो गया है, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर एंड द रेशियो इतने एंड देयर हाइट्स इतने, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ऊपर वाले में इसमें वॉल्यूम पूछा गया है और नीचे पूछा गया है वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम इसको दोनों भी निकाल सकते हैं। चलिए हम दोनों में देख लेते हैं, आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम या आयतन लिख लेना था, चलिए पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है, V1/V2 अगर हम लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा πr² h, तो R1 और H1, और नीचे क्या हो जाएगा πr² और यहाँ पर H2। अब देखिए पाई से सिंपली पाई कट जाएगा, R1/R2² तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में H1/H2 कितना है 5/3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3, 3 जा 9 इंटू 5/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27, 20:27, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो वॉल्यूम हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, V1/V2 वॉल्यूम का रेशियो। अगर वक्र पृष्ठ पूछा है तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे और यहाँ लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इक्वल, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट का डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया सेकेंड का, तो ये क्या होता है, ये होता है 2πrh, तो R1H1 और नीचे भी 2πr2h2 हो जाएगा, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, R1/R2 है 2/3 इंटू H1/H2 है 5/3, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास है 5 2 जा 10, नीचे 3 3 जा 9, तो 10:9, तो ऑप्शन यहाँ पर 10:9 भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 10:9 हो जाएगा, ठीक है, 10:9, और अगर आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछते हैं तो ये हो जाएगा 20:27, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, अगर आपसे जो भी पूछता है आप इस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3 एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। द न्यू लेंथ इज हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में कि एक तार को पिघलाकर एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, उसने बोला है कि रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। पहले जो रेडियस थी वायर की वो आर थी, और जब उसको मतलब रेडियस को क्या करा गया, डिक्रीज किया गया, तो वो चेंज होकर कितनी हो गई, 1/3 ऑफ आर हो गई। ठीक है, बाद में डिक्रीज होकर। और अब उसने पूछा है कि इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम दोनों का सेम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम और यहाँ पर भी, तो जो उसकी न्यू लेंथ होगी, ठीक है, यानी कि एच, पहले ये इसमें तो एच था, तो इसमें एच क्या होगा, एच और डैश ये चेंज हो जाएगा, तो एच डैश इक्वल क्या होगा, जो न्यू लेंथ है, ठीक है, वो ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पर एच, और न्यू लेंथ हो गई एच डैश। उसने बोला एक तार को पिघलाकर एक तिहाई त्रिज्या की तार बनाने पर, तो हमने एक तिहाई त्रिज्या की बना दी, पहले आर था, फिर 1/3 ऑफ आर हो गया, समान आयतन वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है, तो समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई में क्या अंतर आया वो बताएं, तो लंबाई हमने सोचा कि अंतर क्या है एच डैश का, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ भी हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा आर को हमने आर माना था, और यहाँ पर आर को हमने क्या माना है, आर को हमने यहाँ पर माना है 1/3 ऑफ आर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज ये हमने लिख दिया ये कैपिटल आर की वैल्यू है, और यहाँ पर हम कैपिटल आर लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल एच, और यहाँ स्मॉल एच, ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही होगा, एच की जगह पर एच ही होगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर की जगह हमने माना है 1/3 ऑफ आर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल एच की जगह हमने माना है एच डैश, बस यहाँ पर हम लिख देंगे आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर करो तो 1/9, और आर स्क्वायर और एच डैश, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो 9 है, ठीक है, ये कहाँ पर है, राइट साइड में क्या है, नीचे है, तो ये अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9H इक्वल एच डैश, तो ये क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया। क्या पूछा था उसने, यही पूछा था उसने कि जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ एच डैश है, वो हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ है एच, तो इसके कितने टाइम हो गई, तो 9 9 बार, या 9 गुनी हो गई, 9 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं कि जो न्यू लेंथ हमारी बनी वो 9 टाइम्स हो गई ओरिजिनल लेंथ, जो पहले हमारी लेंथ थी एच, उससे 9 गुना हो गई। ठीक है, इस टाइप से इन सवालों को आप करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी इंट्रेंस टेस्ट, और आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो, चाहे आप जो है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं, उन सभी के जो टेस्ट होते हैं रिटेन या ऑनलाइन टेस्ट, उसमें आपका जो FTE आता है उससे ये क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, और आपके SSC वगैरह, SSC, NTPC और रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, सभी में आपका मेंसुरेशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री, तो आपको इससे कवर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।